प्रदेश की राजधानी में आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़कों पर हुआ हंगामा। राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में लाखों की संख्या में शिक्षक सड़कों पर नजर आए, जहां पर अटेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु के नेतृत्व में आज लाखों की संख्या में लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में सड़कों को भी जाम कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु ने साफ तौर पर कहा कि पुरानी पेंशन जब तक बहाल नहीं तब तक हम सरकार का विरोध करते रहेंगे। कई बार प्रदर्शन करने के बाद भी पुरानी पेंशन बहाली के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जब किसान बिल वापस हो सकता है तो आखिर पुरानी पेंशन को बहाल क्यों नहीं किया जा सकता? सभी कर्मचारियों की हालत खस्ता है। वहीं पर जिस तरह से सरकार निजीकरण को लेकर एक कदम उठा रही थी, जिसके कारण कर्मचारियों का शोषण भी हो रहा है। जब तक पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जाता, हम यूं ही आंदोलन करते रहेंगे। आइए डालते हंगामा टाइम्स न्यूज की विशेष रिपोर्ट पर नजर। मीडिया के नाम पर ऊपर नहीं जाएगा। अभी हमारी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारी बैठी है, एक व्यक्ति को मौका नहीं दे पाया जो हिमाचल से आया है, जो हरियाणा से आया है। बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके आप सबकी उपस्थिति, आप सबको देखते हुए देखिए, अटेवा की एक ही मांग है, पूरी ईमानदारी के साथ पुरानी पेंशन शिक्षकों कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी है, हमारी सामाजिक सुरक्षा है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि पुरानी पेंशन बहाल करें, अन्यथा 22 में बाहर जाने की तैयारी करें। ये जुहूम इको गार्डन का बता रहा है, तमाम अवरोध के बाद गाड़ियां हमारी रोकी गई, बसें रोकी गई, उसके बाद भी ये जुहूम उतरा है और कहा गया प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल है। अरे प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, इस देश के, हम उनको सम्मान करते हैं, सलूट करते हैं, उनको बदनाम न करिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि पुरानी पेंशन बहाल करें। अगर मांगे नहीं पूरी, हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे तो उनकी मांगे 22 में पूरी करेंगे, और जहां से फिर आए वहीं चले जाएंगे। इसलिए हम सब चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें। मुझे किसी दल से, किसी नेता से मतलब नहीं है, हमारा बस एक ही नहीं बता, हमारी पेंशन बहाल करें। हाँ, अगर ये नहीं बहाल करेंगे, जो बात करेगा हमारी, जो बहाल करने की बात करेगा, उसके साथ खुलेआम डट के हम लोग जाने को तैयार है, इसमें कोई दोहरा नहीं। अभी बुलाया जा रहा है, कह रहे हैं कि कमेटी, हमने कहा कमेटी ओमेटी का काम मेरा नहीं है, मेरा काम है एक लाइन का जियो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल की जाती है। माननीय आदित्य योगी नाथ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मुलाकातें हुई हैं, लेकिन शायद जब बहुमत ज्यादा होता है तो सरकारें तानाशाह हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है।